न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कोविड 19 कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडलायुक्त जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने रविवार को किया स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थापित कोविड 19 L1 समकक्ष चिकित्सालय का निरीक्षण। कहा, बढ़ाई गई है कोरोना की टेस्टिंग की क्षमता, होगा सभी का स्वास्थ्य जांच। महानगर के राजघाट, कोतवाली, तिवारीपुर एवं शाहपुर थाना क्षेत्र में बनाए गए हॉटस्पॉट क्षेत्रों का डीएम एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर जिले में रविवार को मिले 59 नए कोरोना मरीज। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 691, जिसमें 379 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। 295 मरीजों का चल रहा है इलाज। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की पुष्टि। लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को भी महानगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। एसपी सिटी ने कहा, जनता के सहयोग से लॉकडाउन रहा सफल। लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण नदियों का बढ़ रहा जलस्तर, सभी बाढ़ चौकियां पूरी तरह से हुई मुस्तैद। एडीएम फाइनेंस ने कहा, अति संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिक रखें एक इमरजेंसी किट तैयार। कैंट थाना क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी मिलने पर थाने को किया गया सैनिटाइज, बरती जा रही है सावधानी। लॉकडाउन में रात्रि 10 बजे से सुबह 9 बजे तक खुल रही है महवा सब्जी मंडी। मंडी सचिव ने कहा, रोज की तुलना में सब्जियों की आवक में आई है कमी। महवा सब्जी मंडी में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सब्जियों के भाव में देखा गया उतार चढ़ाव, अधिक आवक से सब्जी बाजार हलकान। और लॉकडाउन में बढ़े टमाटर के भाव, व्यापारियों ने कहा, दूसरे राज्यों से आने के कारण महंगा हुआ टमाटर, खरीदार हुए कम।